हेलो एवरीवन माय नेम निम इज विजयश्री एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था हमने देखा था प्री हीटर ओके प्री हीटर का हमने फंक्शन देखा उसके बाद हमने देखा कि उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड उसके एडवांटेजेस ओके okay. आज हम देखेंगे स्टीम मूवर ओके विच इज ऑल्सो नोन एज स्टीम टर्बाइन ठीक है तो वट इज स्टीम टर्बाइन ओके स्टीम टर्बाइन एक मिनट स्टीम टरबाइन क्या होती है स्टीम टरबाइन इज और प्राइम मूवर इज एन इक्विपमेंट व्हिच इज यूज्ड तो टू रोटेट द शाफ्ट ऑफ अल्टरनेटर बाय यूटिलाइजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम तो ये क्या करेगा स्टीम टरबाइन ये हमारा एक इक्विपमेंट एक है ठीक है जो क्या करेगा स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ठीक है उसकी काइनेटिक एनर्जी को सॉरी तो ये जो हमारी स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना इसका यूज करके ये स्टीम टर्बाइन क्या करेगा हमारे जो टर्बाइन का अल्टरनेटर का जो शाफ्ट होता है उसको रोटेट करवाएगा ठीक है अल्टरनेटर को रोटेट करवाएगा जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा ठीक है तो ये कब होगा जब स्टीम की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ओके सॉरी स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को ये यूज करके ये इक्विपमेंट क्या करेगा अल्टरनेटर को रोटेट करवाएगा तो ये काम हमारा करता है स्टीम टर्बाइन या फिर प्राइम मूवर ठीक है When स्टीम leaves नोजल इट impends ऑन द ब्लेड्स ऑफ turbine ड्यू टू दैट फोर्स ऑफ स्टीम द शाफ्ट ऑफ turbine इज इन मोशन क्या करता है ये जो स्टीम छोड़ जाती है स्टीम लीव करती है नोजल को ठीक है ये जो स्टीम होती है हमारी इसके इम्पेंशन के वजह से ठीक है ये जब इम्पेंड होती है हमारी स्टीम ब्लेड्स पे ठीक है ऑन ब्लेड्स तो क्या होता है हमारा जो शाफ्ट होता है जो कि जुड़ा हुआ होता है टर्बाइन से ठीक है क्या होता है उसके ब्लेड्स जो होते हैं वो रोटेट करने लगते हैं और वो मोशन में आ जाता है ठीक है तो ये जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करने लगते हैं ठीक है और हमारा जो टर्बाइन है वो मोशन में आ जाता है ठीक है तो ये काम कौन करता है स्टीम प्राइम मूवर हमारे जो अल्टरनेटर के जो शाफ को रोटेट करवाने का काम करेगा ये स्टीम प्राइम मूवर वो कैसे करेगा ये एक इक्विपमेंट है जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके वो हमारे अल्टरनेटर को रोटेट करवाए करवाएगा ठीक है तो स्टीम जब जब स्टीम इम्पेंड होती है ब्लेड पे तो ब्लेड रोटेट करने लगते हैं और टरबाइन मोशन में आ जाएगा ठीक है तो अब हम देखेंगे कि स्टीम टरबाइन के स्टीम प्राइमूवर के टाइप्स क्या क्या होते हैं सो देर आर टू टाइप्स ओके टाइप्स क्या क्या है टू टाइप्स ठीक है तो पहला क्या है पहला है हमारा इम्पोल्स टर्बाइन ठीक है इम्पोल्स टर्बाइन सेकेंड इज रियक्शन टर्बाइन सेकेंड इज अवर रियक्शन टर्बाइन है हमारे इंपल्स टर्बाइन सेकेंड इज रियक्शन टर्बाइन ये दो टाइप है हमारे स्टीम प्राइमूवर के स्टीम टर्बाइन के ठीक है सबसे पहला है हमारा इंपोल्स टर्बाइन तो आज हम देखेंगे इम्पोल्स टर्बाइन सो दिस इज अवर इम्पोल्स टर्बाइन ओके दिस इज द डायग्राम ऑफ अवर इम्पोल्स टर्बाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेशनरी ब्लेड्स ठीक है यह हमारे टर्बाइन के स्टेशनरी ब्लेड्स दिस इज अवर नोजल दिस स्टीम 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 इन इज़ ये है हमारी अंदर जा रही है ठीक so है सो दिस आर टर्बाइन ब्लेड्स यह हमारे टर्बाइन के ब्लेड्स यह हमारे टर्बाइन का व्हील दिस इज आर टर्बाइन व्हील ओके दिस इज शाफ्ट यह हमारा शाफ्ट दिस इज लास्ट वेलोसिटी ये वेलोसिटी कम हो रही है हमारी स्टीम की ठीक है जो कि यहाँ पे शो की गई है और ये है हमारे कंडेंसर का प्रेशर ये है ये है हमारे कंडेंसर का प्रेशर ठीक है और ये है वेलोसिटी लास्ट वेलोसिटी नाउ दिस इज बॉयलर प्रेशर ये जो सेक्शन दिख रहा है दिस इज और बॉयलर का यह है हमारा बॉयलर का प्रेशर सॉरी यह है हमारा बॉयलर का प्रेशर ठीक है एंड यह हमारी इनिशियल वेलोसिटी ये जो इतना सेक्शन है दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द सेक्शन ऑफ बॉयलर प्रेशर ठीक है तो दिस इज द डायग्राम ऑफ इम्पोल टर्बाइन ये है इम्पोल्स टर्बाइन ठीक है यहाँ पे जो आपको कुछ ऐसा सेक्शन दिख रहा है दिस इस, दिस इज इज आवर ब्लेड्स ठीक है तो ये टर्बाइन के ब्लेड्स हैं और यहाँ पे भी टर्बाइन के ब्लेड्स लगे हुए हैं ठीक है तो यहाँ से स्टीम इन होगी और यहाँ से आउट ठीक है सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इम्पोल्स टर्बाइन अब हम देखेंगे कि इम्पल्स टर्बाइन एक्जैक्टली काम कैसे करता है ओके नाउ इन इंपल्स टर्बाइन देर आर सम फिक्स नोजल्स एंड मूविंग ब्लेड्स आर प्रेजेंट यहां पे क्या होगा फिक्स नोजल्स प्रेजेंट रहेंगी ठीक है और मूविंग ब्लेड्स भी प्रेजेंट रहेंगे ठीक है अब ये इंपल्स टर्बाइन है तो फिक्स नोजल क्या रहेंगी फिक्स रहेगी और ब्लेड्स कैसे रहेंगे मूविंग रहेंगे ठीक है तो ये कहाँ पे होंगे ये जो डिस्क है हमारी शाफ्ट की इस पर माउंटेड रहेंगे जो कि ये जो शाफ्ट है डिस्क है हमारी शाफ्ट की इस पर माउंटेड है हमारे टर्बाइन के ब्लेड्स ठीक है तो ये फिक्स्ड हमारे नोजल्स हैं और मूविंग ब्लेड्स जो कहाँ पे है टर्बाइन के शाफ्ट पे ओके मूविंग ब्लेड्स आर इन सिमेट्रिकल ऑर्डर तो ये जो हमारे ब्लेड्स आपको ये छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा ओके तो ये जो छोटा सा डायग्राम है इसमें जो एंगल है ये जो ब्लेड्स दिख रहे हैं आपको ठीक है दिस इज आवर ब्लेड्स ये है हमारे ब्लेड्स ये तो इनके बीच में जो एंगल रहेगा ठीक है वो कैसा रहेगा सेम रहेगा मीन्स दिस ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल इन ऑर्डर ठीक है तो इसके बीच का जो एंगल रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा ईच एंड एवरी ब्लेड का द स्टीम एंटर्स इन द टर्बाइन केसिंग विथ सम प्रेशर तो किसी प्रेशर के साथ ठीक है किसी प्रेशर के साथ ये जो स्टीम है हमारी ये अंदर जाएगी विथ सम प्रेशर कोई प्रेशर लेके स्टीम अंदर जाएगी ठीक है आफ्टर दैट इट पासिस थ्रू वन और मोर नंबर ऑफ फिक्स नोजल्स इंटर द टर्बाइन तो यहाँ पे कुछ फिक्स नोजल्स रहेंगी या फिर एक रहेगी और दो रहेगी या फिर तीन रहेगी कितनी भी हो सकती है ठीक है तो so, इनमें से ये जो स्टीम है वो पास होगी ठीक है

ये एक्सपांड होती जा रही है आगे आगे ठीक है ऐसे ऐसे एक्सपांड होती जा रही है तो जब एक्सपांड होगी और इसमें से स्टीम एंटर होगी तो क्या होगा स्टीम का जो प्रेशर है वो कम होगा ओके स्टीम का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा ठीक है ड्यूरिंग एक्सपांशन ड्यूरिंग एक्सपांशन ओके ड्यू टू हाई प्रेशर ड्रॉप इन द नोजल्स द वेलासिटी ऑफ स्टीम इनक्रीजेस तो क्या होगा जब ये प्रेशर कम होगा हाई प्रेशर ड्रॉप होगा इसकी वजह से क्या होगा जो हमारे स्टीम की वेलासिटी होगी ठीक है वो क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी क्यों क्योंकि ये जो हमारा प्रेशर है ये कम हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है द हाई वेलोसिटी जेट्स जेट ऑफ स्टीम फ्लोज थ्रू फिक्स नोजल्स एंड इट स्ट्राइक्स द ब्लेड विथ कॉन्स्टेंट प्रेशर तो ये क्या करेगी एक कॉन्स्टेंट इसके बाद जब इसका प्रेशर कम हो गया है और वेलोसिटी बढ़ गई है इसके बाद ये क्या करेगी फिक्स नोजल से फ्लो करेगी ठीक है एंड इट स्ट्राइक्स द ब्लेड विथ कॉन्स्टेंट प्रेशर ये क्या करेगी ये जो ब्लेड्स हैं हमारे ये स्टीम जो इन हो रही है ठीक है नोजल में से ये क्या करेगी एक कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ हमारे ब्लेड्स पे अटैक करेगी तो क्या होगा जब इस डायरेक्शन से यहाँ पे ये यह नोज़ल थोड़ा इस डायरेक्ट यहाँ पे बनाना चाहिए था ये आप समझिए नोजल है, है। यहाँ से स्टीम एंटर हो रही है तो जब एंटर हो जाएगी तो ये इस पार्ट पे हमारे नोजल्स के हमारे ब्लेड के इस पार्ट पे ये स्टीम पड़ेगी तो जब ये इस पार्ट पे पड़ेगी तो ऑब्वियसली ये इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा जब इस डायरेक्शन में ये ब्लेड्स रोटेट करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इससे जुड़ा हुआ टर्बाइन भी रोटेट करने लगेगा मीन्स इससे जुड़ा हुआ शाफ्ट भी रोटेट करने लगेगा ओके एंड इंपल्स टर्बाइन स्टीम प्रोड्यूस ओनली इंपल्सिव फोर्स टू ब्लेड्स तो ये क्या करेगी कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करेगी इंपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करेगी टू ब्लेड ठीक है प्रोड्यूसेस टू ब्लेड तो इसकी वजह से इम्पल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करने की वजह से हमारे जो ब्लेड्स हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे नाउ ब्लेड्स आर स्टार्टिंग टू तो मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्टीम फ्लो तो जि, जिस जिस डायरेक्शन में स्टीम हमारी फ्लो होगी उसी डायरेक्शन में हमारे ब्लेड्स भी फ्लो होते चले जाएंगे ओके ड्यू टू चेंज इन मूवमेंट एंड टर्बाइन शाफ्ट स्टार्टिंग टू रोटेट तो क्या होगा ये जो स्टीम है ये जो हमारी स्टीम है ये ब्लेड्स पे अटैक करेंगी ब्लेड्स पे अटैक करेंगी तो ऑब्वियसली ब्लेड भी रोटेट होंगे तो ब्लेड से जुड़ा हुआ ये जो हमारा शाफ्ट है ये भी रोटेट करना शुरू कर देगा ठीक है तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा ड्यू टू तो चेंज इन मोमेंटम इसकी वजह से हमारा जो टर्बाइन है वो रोटेट करना शुरू कर देगा ठीक तो है तो यह है हमारे इम्पोल्स टर्बाइन का काम सो दिस इज द डायग्राम, क्या होगा ये जो स्टीम है वो इन होगी तो प्रेशर जब ये एक्सपांड होगा तो इसका प्रेशर जो होगा कम होगा और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी प्रेशर क्या होगा कम होगा तो उसके बाद जब कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ ये ब्लेड्स पे अटैक करेगी स्ट्राइक करेगी तो ब्लेड्स मूव करना शुरू कर देंगे मूव करना शुरू कर देंगे तो इससे जुड़ा ये जो ब्लेड्स मूव करना शुरू करने के बाद ये जो शाफ्ट से जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है ये भी ऑटोमेटिकली रोटेट करना शुरू कर देगा ठीक है तो बिकॉज ऑफ द ब्लेड्स द रोटर स्टार्ट रोटेटिंग एंड सो द शाफ्ट ओके तो इसके चेंज इन मोमेंटम की वजह से ठीक है ब्लेड के चेंज इन मोमेंटम की वजह से टर्बाइन जो होगा रोटेट शाफ्ट जो होगा वो रोटेट करना शुरू कर देगा इससे जुड़ा हुआ अल्टरनेटर भी ऑटोमेटिकली जो रोटेट करना शुरू कर देगा ठीक है तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी जनरेट होगी तो ये था हमारा इम्पोल्स टर्बाइन ओके सो दिस वाज आवर इम्पोल्स टर्बाइन सो दिस इज़ डन फॉर टुडे हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या पढ़ेंगे रिएक्शन टर्बाइन ओके सो सी यू देन